झाझा के अंचलिक कार्यालय परिसर में भाजपा सरकार के विरुद्ध महागठबंधन नेताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद जदयू के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार दास ने कहा कि भाजपा अपने 9 साल के कार्यकाल में सिर्फ बर्बादी और तबाही लाने का काम किया है, जिसके विरोध में आज सुबह के तमाम प्रखंड कार्यालय परिसरों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोगों में जदयू नेता धीरेन्द्र कुमार, सुबोध केसरी, शशिकांत झा, बलवंत, राजद नेता राजकुमार यादव, राज यादव सहित दर्जनों महागठबंधन कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज, जमुई। जदयू के प्रखंड अध्यक्ष राकेश दास हमारे साथ जुड़े, किन चीजों को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, भाजपा सरकार जो वर्तमान में केंद्र में जो सरकार है वो नारा देते हैं 9 साल बेमिसाल, इनके खिलाफ में आज हम लोग बिहार महागठबंधन के जितने भी साथी हैं, जितने भी दल हैं, सभी दलों के साथ आज हम लोग प्रखंड मुख्यालय झाझा में एक दिवसीय धरना का आयोजन कर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ है। ये धरना आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार यादव जी की अध्यक्षता में हो रहे हैं और मंच का संचालन मैं जदयू प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार दास कर रहा हूँ।